दोस्तों नमस्कार। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, सुबह सुबह जो है खेत में आ जाते हैं किसान भाई सभी। मैं तो सभी की बात बताता हूँ। और भाइयों क्या होता है, नाश्ता पानी करके अपना आ जाते हैं। अब बज गए हैं 11:30 और खेत हमने जोत के झोटा जो है छामा बांध दिया था। और पुनीत भाई जो है सामने ट्रैक्टर में निहार रख रहे हैं, तो इस सुबह इसीलिए ले जाते हैं निहार को। भाइयों शाम के समय जो है कीड़ा कांटा पेड़ पर ऊपर चढ़ने का डर हो जाए, क्योंकि शाम को जो है भभका हो जा। एक दिन हमें जो है यहाँ पेड़ पर, बाजरे के पेड़ पर सांप चढ़ा हुआ देखा हमने, तो उस दिन से हम थोड़े घबरा गए। मगर कभी कितनी यहीं सी के एकदम बाइट कर ले और दिक्कत तो बनी जा, देखो परेशानी हो जा और बाजी पर जान मान का भी खतरा हो जा। तो मैं तो अपने भाइयों से सभी से यो कहना चाह रहा हूँ, दोस्तों जैसे जो है एकदम अब 2 दिन से आप देख रहे हैं मौसम चेंज हो गया, लू बननी शुरू होगी। तो एक तो आप थोड़ा सा पानी, ग्लूकोन डी, मट्ठा, छाए लिक्विड में ज़्यादा लेना शुरू कर दें। और दूसरा जो है पहले मतलब देखो, अब जैसे ये हवा चल रही है तेज, तो इस हवा से बचना शुरू कर दें। ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई है। इसे कहते हैं हमारे बड़े जो हैं हमारे बुजुर्ग कि भाटा बच गया। और भाइयों अपने खेतों में भी, जैसा मैं खेत मैं हूँ किसान हूँ, तो मैं खेत की भी एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। जैसा आप पानी कर देते हैं बड़े बड़े क्यारों में कि बस चलने दो, बिजली जो है ट्यूबवेल जो होती है, इन दिनों में वोल्टेज कम होने की वजह से पानी भी कम जो हो जाता है और बोलते हैं फिल्टर भी गिरना शुरू हो जाता है। तो भाइयों खेत में भी छोटे छोटे क्यारे बनाओ, जिससे कि सुबह के टाइम आप आओ तो 11-12 बजे तक एक क्यारा भर जा, फिर उसका पानी दूसरे में बदल के आप घर चले जाओ और शाम तक उसमें चलता रहे। तो इस तरीके से बिजली आती रहेगी, चलती रहेगी, भगती रहेगी, आती रहेगी, चलती रहेगी, तो उससे आपकी भराई भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से होती रहेगी। अब एकदम जो है भाइयों देख सकते हैं आप कितना भाटा बच गया, दूर दूर तक जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं और आम आने शुरू हो गए हैं। भाइयों आम खाया जाए, आम जो होता है, और नींबू की शिकंजी पिए, सोडा डाल के नींबू शिकंजी का फ्लेवर आता है मसाला डाल के, तो उससे जो है शरीर में हमारे में लिक्विड की, लू से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे भाइयों तो सब कुछ देखो, वो देखो कॉलोनी के वहाँ कितनी धूल उड़ रही है, ये धूल जो है हवाओं के कारण उड़ रही है, ये देख सकते हैं। दोस्तों हम भी अब घर की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ बात करनी हो या कोई जवाब हो आपके पास में, कोई सुझाव हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें। नमस्कार।